एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आने वाला होगा। आज का ब्लॉग होने वाला है टोटली डिफरेंट और बहुत ही फन वाला, बहुत ही पॉजिटिव सा और बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। डेली ब्लॉग से हटके कुछ बनाया है, पूरी पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते रहिएगा इस वीडियो को और थोड़ा सा भी पसंद आए इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना ताकि मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो सके और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ शुरू से कि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मायने वर्ड तो 4 सालों से बोल रही हूँ। तो चलिए इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट। और अभी मैं आपको कराने वाली हूँ बहुत ही सुंदर से प्यारे से इस्कॉन टेम्पल के कन्हैया जी के दर्शन। जी हाँ, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। ये देखिए आ भी गया है, तो ये फ्लाईओवर से ही इसका इस तरीके का लुक आ जाता है, दिखता है। तो चलिए देखते रहिएगा इस वीडियो को। छूट गया है, हम गाड़ी लगाएंगे तो जमीन ही दिख रही। सही है जी, अच्छा दिन से यहाँ रह रहे हैं, बस इस्कॉन टेंपल टैंकल बोले जा रहे हैं। इस्कॉन टेंपल कभी नहीं आया, मतलब इधर वाले में नहीं आया, उधर वाले में आए थे ना मम्मी। हाँ। एक बार नानी के साथ गए थे ना, एक बार इनके साथ गए थे, एक बार नानी को घुमा के लाए थे जब नानी आई थी। यहाँ वाले नहीं गए, गोविंदपुरी। गोविंदपुरी में है ना, पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ। चलते हैं, आप लोगों को भी अगर वीडियो अलाउ होगा तो दर्शन करा देंगे। कहाँ से जाऊँ? इसी का सब खेल है। तो यहाँ पर जब तक हम लोग पहुँचे 45 मिनट्स का टाइम था आरती स्टार्ट होने में, तो तब तक एक छोटा सा शो था। तो कहा कि चलो देख लेते हैं, यहाँ के जो है ना पुजारी जी उन्होंने ही बताया, काफ़ी सुंदर था। हालांकि वहाँ पर वीडियो और कैमरा अलाउ नहीं था, मतलब फ़ोटोग्राफी, बट मैंने आप लोगों के साथ दर्शन कराने के लिए ये सारी चीज़ें शेयर की। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा और कभी आप आइएगा तो जा कर के देखिएगा, क्योंकि रियल आँखों से देखने की बात ही अलग होती है। कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा था, बहुत सुंदर सुकून शांति वाला एकदम दृश्य था। और भी काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने शेयर नहीं की, थोड़ा सा ही बस शेयर किया है। तो देखिए मंदिर पहुँच गए, अभी पट जो है वो बंद है, थोड़ी देर में बस खुलने ही वाले हैं। कैसा लगा आपको दर्शन करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, है ना। थे ना कितने सुंदर से प्यारे से कन्हैया जी, और भगवान तो भगवान होते हैं, उनकी प्रतिमा सुंदर लगती ही लगती है। तो यहाँ पर बहुत प्यारा सा भव्य सा सुंदर सा ये इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है और ये आई थिंक सेक्टर 37 या 38 में है एग्जैक्टली, आई एम सॉरी। तो उधर ही बना हुआ, जैसे जहाँ पर मैं गई थी ना आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर किया था चौकी हवेली का, तो उसी के पास बना हुआ है, इसके पास ही, इसके बैक साइड में ही है वो। तो यहाँ पर बहुत सुंदर से पिलर पे भी डिज़ाइन बन रखी थी काफ़ी दूर तक, मतलब दिखाती तो बहुत दिखाती रहती घंटों तक, काफ़ी पिलर पे प्यारी प्यारी डिज़ाइन बन रही थी। तो थोड़ा मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और घूमने फिरने से बाहर जाने से एक नयापन आ जाता है लाइफ में, और सेम वही रूटीन वही मतलब घर में रहना तो उतना अच्छा नहीं लगता है और मन काफ़ी अच्छा हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। वाह!
पर थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से आ गए हैं, थोड़ा सा आगे सेक्टर 18 की तरफ। और काफ़ी दिन से नहीं आए थे, जब इधर रहते थे ना 76 तब अक्सर आ जाया करते थे, बट अभी काफ़ी दिन के बाद आए तो काफ़ी अच्छा लगा करके, क्योंकि यहाँ पर मतलब क्या ही बोले, अक्सर आते थे न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, हर उस पर आ जाते थे। काफ़ी कुछ थोड़ा चेंज भी हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें नई खुल गई, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये एरो रेस्टोरों करके खुल गया है, बहुत सुंदर सा। तो स्पेशली सच बताऊँ तो इसका मैंने वीडियो देखा था 7 मंथ्स पहले, किसी ने वीडियो डाला था तो मैंने देखा था, तो मुझे मन था यहाँ पर आने का, तो इन्होंने कहा चलो आज चलते हैं। वैसे भी आज संडे है तो सोचा एंजॉय कर लेते हैं, पूरा दिन घर में रिलैक्स किया और कल से स्कूल वही रूटीन चालू हो जाएगा, तो सोचा नन्नू को भी घुमा देते हैं। और नन्नू को मेरे घूमने फिरने का बहुत शौक है और उसको घुमाते फिराते भी रहते हैं, अच्छा लगता है। तो बस सारा दिन घर में रिलैक्स करने के बाद आ गए हैं थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए बाहर। और आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत हैप्पी वाला स्पेशल संडे था, क्योंकि मॉर्निंग ही स्पेशल बना दी थी इन्होंने। मैं उठी तो देखा ही किचन में कुछ लगे हुए हैं और कह रहे थे, मैं काफ़ी देर से रेसिपी देख रहा था, सर्च करके बनाई थी इन्होंने घर में भेड़मी पूरी और सब्जी, जिसका मैंने कम्युनिटी भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैंने कहा चलो करती हूँ, पता है संडे पूरा इतना बिजी और रात में 11-12 बजे हम लोग यहीं से लौट के आए थे, तो इस चक्कर में फिर मैंने आप लोगों के साथ कुछ ब्लॉग या फिर कम्युनिटी शेयर ही नहीं कर पाई थी। तो थोड़ा सा मुझे फ्री टाइम मिला तो मैंने आप लोगों के साथ फटाफट से कम्युनिटी शेयर कर दी, फिर ये ब्लॉग थोड़ा सा इसी वजह से लेट हो जाएगा, क्योंकि जब आओ कहीं थक जाओ फिर हिम्मत नहीं रहती एडिटिंग वगैरह की। पतिदेव ने बहुत भयानक तगड़ी रील बनाई है। सो ये फाइनली हम लोगों ने कर लिया है एरोप्लेन में एंटर, ये रही हमारी फ्लाइट, अब हम लोग फ्लाई करने जा रहे हैं, नहीं जिसमें हम लोग फ्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ खाना खा करके चले आएंगे। और सच बताऊँ तो एक बार और गई हूँ मैं, मेट्रो बॉक्स जब गई थी उसका भी ब्लॉग देखना, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उस वीडियो का। तो उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बाहर का भी सेटअप और इसका इंटीरियर, दोनों चीज़ें मुझे थोड़ा फ्लाइट वाला लुक ना मुझे ज़्यादा फील दिया, मतलब फ़्लाइट वाला, इसकी चेयर वगैरह और सारी चीज़ें देख करके, तो उससे बेटर था। हालांकि वो मैं पहली बार गई थी तो उसमें भी बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पहली बार करते हो जाते हो तो अच्छा लगता है, तो वो भी अच्छा था, बट ये वाला जब गई तो देखा ये उससे ज़्यादा बेटर था। तो ये रहा यहाँ का मेन्यू, अब चलिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लखनऊ को उधर ऐसे जा रहे कि ढंग की जगह ना जा पाए, ऐसे जा रहे तो फ्लाइट जा रहे नहीं, फ्लाइट में बैठे सुबह तक पहुंच ही जाएंगे, सुबह तक पहुंच ही जाएंगे लखनऊ में, नोएडा से वो दिल्ली से लखनऊ 2-2.5 घंटे में पहुंच जाओगे। से जा रहे तो सुबह नहीं पहुंच पाओगे, हम चल चुके हैं ना बहुत देर पहले, ये मेरी 2 घंटे फ्लाइट। ख्याली पुलाव अच्छे हैं, मन समझाने को गाली भी, ख्याल भी अच्छा है, ये बात तो बिल्कुल सही की। अच्छा, काफी दिन से फ्लाइट में नहीं बैठे थे ना, तो सोचा बैठ ले। हाँ अरे ये तो नीचे ही नहीं हो रही है, तो तुम्हें नीचे क्यों करने, वैसे कौन सा दिख रहा है उसमें, ये वाली इन्हें फील लेना है, पूरा फील लेना है, बटन बटन दबाओ, बटन से बटन बटन भी नहीं, अरे मत कर कुछ नहीं हो रही। तो ये जो है क्या बोले हम, एक ख्याली फ्लाइट है, अच्छा है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा, हम लोग तो जा चुके हैं काफी साल पहले जा चुके हैं, कहाँ रोहिणी में, उसका नाम क्या है, उसका नाम कुछ था भूल गए, तब हम लोग गए थे,
हम लोग खूब घूमते घुमाते हैं पर हमें कोई नहीं घुमाता है, हमें सब ऐसे ही हम अपना खुद ही घूम लेते हैं आपस में। क्या कह रहे हैं, हमें कहीं फ्री का माल नहीं मिलता। कैसा लग रहा आपको? तुम तो एकदम फील ले रहे हो भैया, फ्लाई कर लिए पीछे ना सीट करने लगना गए हम कहते जो पीछे ना सीट करने लगे वही देख रहे पीछे वही होगी फिक्स है। हैं कोई एक बात पे छोड़ दो, कंफर्टेबल है आता नहीं सीट उछल दे तुम मेरे साथ फ्लाइट की टक्कर में जो है फोटो अच्छी आई। अपना आर्म रेस्ट रखो, बोल गया यार सांस क्यों खींच रहे हो, बोल छोड़ दो। खाने से पहले ये हाल है तो सोचो खाने के बाद क्या होगा। जिम जाने वाले हैं जल्दी। रावण का पुल है तुम्हारा जिम, रावण का पुल जो बना नहीं कल 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 पहली बात स्वर्ग का पुल नहीं बना रहा था, सीढ़ी भी की पुल था। अच्छा सॉरी पहले कुछ खुद नहीं पता है। सब पता है मुझे, रावण की सीढ़ी जैसे डेंचू राम को पता था सब। तुम और डेंचू राम चतुर्वेदी डेंचू राम। फ्रेंड्स तो हमने डिनर ऑर्डर कर दिया था, जब तक थोड़ा सा मस्ती मजाक किया तब तक डिनर भी आ गया। इन्होंने बहुत हंसी लगवाई हम लोगों को और आगे भी अभी देखेगा, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, थोड़ा सा और है अभी हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और खाना बहुत सुपर टेस्टी था, अच्छा था, थोड़ा सा कॉस्टली था, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली कॉस्टली था अच्छा खासा। बट यहाँ पर ना एक्चुअली पहले 250 रुपये की टिकट थी, वीडियो में भी मैंने ये देखा, बट इन्होंने बोला वो ख़त्म कर दिया सिस्टम, मिनिमम 250 का आप ऑर्डर करिए, आप खाइए कुछ, 100 का इन्होंने एंट्री कर दिए, बाकी आप जितना का भी ऑर्डर करना है तो 100 की आपको टिकट लेनी पड़ेगी और फिर आपको यहाँ पर अंदर एंटर के लिए, फिर यहाँ पर आप जो भी ऑर्डर करना चाहें आप कर सकते हैं। खाना काफ़ी टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इनको मम्मी को सबको बहुत अच्छा लगा। तो अब चलिए चलते हैं जहाँ हमें चलना है। जिंदगी में पहली बार क्यों जिंदगी में पहली बार जाऊंगी मैं, चलो नन्नू चलो 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 पहली बार जिंदगी में कॉकपिट। ओह माय गुडनेस इतना छोटू, यहाँ तो देखो मुझे तो लगा कितना बड़ा होगा, यहाँ तो ऐसे घबराहट हो रही है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है। बाप रे बाप, तुम ज्यादा पायलट गिरी कर रहे हो, इसमें वो भी लगा होगा हेडफोन निकाल के लगा लो, ये है नन्नू तरफ, ये है नन्नू पूरा हेडफोन लगा लो, फो पिक क्लिक कर दे वो, तुम बेकार पायलट हो। नन्नू ये मेरा था, रुको इसको निकाल दूं, इधर देखा ना सुना, हेलो बोलो, हेलो हाय, इसको ऐसे कर लो ऐसे, हाँ ऐसे, अब हेलो करो। यूएसए चलने के लिए तैयार है, तुम यूएसए इनके घर जाओ, सीधा लैंड होगी लखनऊ में, फिर लखनऊ आ गया, फिर लखनऊ आ गया, आप कृपया अपनी सीट की बेल्ट बांध ले और ये चलने को तैयार। ब्रेक ये हो गया, अच्छा लग रहा है सोना, और आपको गाने सुनने थे यहाँ से बजा दीजिए, हटो गाने नहीं तो इन्हें फ्लाइट में गाने की पड़ी है। नन्नू हाँ कैसे, तो क्या हुआ इनकी तो बोली चेंज हो गई भैया, कौन हो तुम? नन्नू पायलट। काव के ऊपर पनीर उड़े है, काव के ऊपर दाल उड़े है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब ये माइक तो संभालो, होने वाली है माइक तुरंत, या तिया तुरंत भाग रहा, और जिसने जो कुछ खाना पीना हो खा पी लीजिए, फ्लाइट बहुत तेजी से गिरेगी, लखनऊ लखनऊ में आप पहुंचने वाले, रुकेगी नहीं गिरेगी मम्मी, जिनने तो हद ही कर दी। आपका प्रांजलि एयरलाइंस में स्वागत, हमें और गिट्टे डाल रहे हो, चलो मम्मी अब तुम्हारी बारी है, नहीं नन्नू आ जाओ, तुम्हें हमने फ्लाइट में नहीं बैठा, सीधा कॉकपिट पहुंचा दिया, सोचो
सबर का फल मीठा होता है। इनने हमें हमने इनको फ्लाइट में नहीं बैठा पाया, सीधा कॉकपिट ही बैठा दो। सही करा तुमने। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो इसे लाइक करिएगा। मेरा दिन तो बहुत अच्छा बीता संडे का, आपका कैसा बीता? कहाँ कहाँ गए, क्या क्या एंजॉय किया मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और आज तो पतिदेव ने कमाल ही किया है, किचन से भी छुट्टी दे दी और इतना एंजॉय भी करा दिया, तो कहने ही क्या, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। अच्छा लगता है जब आपके हस्बैंड लोग आपको स्पेशल फील कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमेशा औरतें ही किचन में गर्मी में मरती हैं, बट कभी कभी आपके हस्बैंड आपको इस चीज़ से छुटकारा दे देते हैं तो बहुत स्पेशल फील होता है। तो चलिए आप लोग भी ऐसे खुश रहिए, इंजॉय करते रहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, लेट नाइट हो गई है। और ये देखिए यही टेंपल है जिसके अभी मैंने आपको दर्शन कराए थे। लेट नाइट हो गया तो सब बंद वगैरह हो चुका है, काफ़ी थकान हो गई थी। तो यहीं पर मैं ये वाला ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलूंगी आगे फिर से अच्छे से ब्लॉग के साथ। कल से शुरू होने वाला है हम मॉम्स का रूटीन वही वाला। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।